महाभारत के युद्ध जीतने के लिए अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। अर्जुन भगवान शिव से सबसे विध्वंसक शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। भगवान शिव का यह अस्त्र इतना घातक था कि इसके प्रयोग से सृष्टि का नाश हो सकता था। इस अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन को भगवान शिव से युद्ध भी करना पड़ा था। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए जानते हैं, महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ था तो अर्जुन जानते थे ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है, इसलिए इस युद्ध से पूर्व अर्जुन भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इस अस्त्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुँच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को बताया कि शिव जी को प्रसन्न करने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सुअर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सुअर को मारने का निर्णय लिया। सुअर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहां एक वनवासी आ गया जिसने अर्जुन को बाढ़ चलाने से रोक दिया। इस वनवासी का कहना था कि इस सुअर पर उसका अधिकार है। इस सुअर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था। इस सुअर को केवल सिर्फ वही मार सकता है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर सुअर पर अपना तीर छोड़ दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस बात से वनवासी बेहद नाराज हो गया। दोनों में भयंकर वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, आज तक उनके वाड़ों से कोई नहीं बच सका। तभी वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो वनवासी का रूप लेकर मेरी परीक्षा ले रहा है। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उसी वनवासी के गले में दिखाई दे रहा है। अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह शिव का ऐसा अस्त्र है जो आँख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।